स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में रहते हैं, जिसको कहा जाता है ब्राउनियन मोमेंट, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था 1827 में। अब ये दो फिनोमिनन ऐसे हैं जिनसे हमें इन जो मैटर की करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में पता चलता है, एक तो ब्राउनियन मोमेंट और दूसरा है डिफ्यूज़न। अब ये जो वर्ड है डिफ्यूज़न, ये वर्ड अब आपके पीछे लगने वाला है, क्योंकि ये टेंथ में भी आएगा, इलेवेंथ में भी आएगा, ट्वेल्थ में भी आएगा, ये आता रहेगा। तो एक तो होगा अपना ब्राउनियन मोमेंट और पार्टिकल्स मोशन में रहेंगे या उनके जो प्रोसेसेस हैं उसका, दूसरा जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, वो क्या है, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़ का मतलब होता है मिक्स हो जाना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके बारे में एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये है पार्टिकल की इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूज़न इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब अगला सवाल आपके मन में ये आएगा कि ये इंटरमिक्सिंग तो है, लेकिन कहाँ से कहाँ मिक्सिंग होगी? तो वो होगी ज़्यादा से कम की तरफ, जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट है वहाँ से कम की तरफ होगा, यानी कि जहाँ मात्रा ज़्यादा है, फ्रॉम मोर कंसंट्रेशन टू लेस, ये प्रोसेस होता है। जैसे जनरली आप समझ सकते हैं, सपोज़ ये हमने बीकर लिया और इसमें यहाँ तक वाटर फिल कर लिया, यह है साइड ए और इसमें यहाँ तक वाटर है, यह है साइड बी। अब तक क्या है, ये दोनों सेपरेटेड हैं। सपोज़ हम इन दोनों को मिला दें, यानी कि यहाँ से अगर हम कट कर दें, तो आप आसानी से बता सकते हैं वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, ए पार्ट से कहाँ जाएगा, बी के अंदर। और ये कब तक जाएगा, जब तक इन दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ। सिमिलरली इसमें क्या होगा, हालांकि थोड़ा सा अलग है ये, मैंने वैसे समझाने के लिए आपको बताया कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। अगला आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये किस में होगा, मेन जो थ्री स्टेट्स हैं अपनी मैटर की, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस में होगा? तो ये तीनों में ही होता है। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा, बिल्कुल आसान सी बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनमें दूसरी गैस आके मिक्स हो सकती है, यानी कि इंटरमिक्सिंग उनकी जल्दी हो सकती है। इट मीन्स गैसेस में ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा डिफ्यूज़न। सॉलिड में ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा, कम होगा, और इसमें फिर मीडियम होगा। डिफ्यूज़न के बहुत से एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हैं, समझते हैं। जैसे घर में हम अगरबत्ती लगाते हैं, इंसेंस स्टिक, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये डिफ्यूज़न का एग्जांपल है कि जिस कॉर्नर में आपने अगरबत्ती लगाई वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और दूसरे कॉर्नर में कम है, जो जितने भी बचे हुए हैं, तो ज़्यादा से कहाँ जाएगा, वो कम की तरफ, और धीरे धीरे इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, पूरी तरह वो फैल जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न। या आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर आप इंक की ड्रॉप डाल दो, तो ऐसे ड्रॉप की ड्रॉप थोड़ी रहती है, उस पूरे में क्या होती है, फैल जाती है, यानी कि इंटरमिक्स हो जाती है पूरे के अंदर। ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। अब आपको याद रखना, जो करेक्टरिस्टिक हमने बताई हैं, चार करेक्टरिस्टिक्स जो डिस्कस की, इनके बेस्ड आपसे अलग अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफ्यूज़न की बात करेंगे, बीच में आपको फिर बता रहा हूँ आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई हमने वाटर लिया और वाटर के अंदर शुगर डाल दी और ये पाया कि ये शुगर डिजोल्व होती है, तो हमसे पूछेंगे कि इस फिनोमिनन से मैटर की कौन सी करेक्टरिस्टिक का हमें पता लगता है। तो शुगर डिजोल्व होगी, लेवल बढ़ा नहीं, इसका मतलब क्या है
कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था और शुगर के पार्टिकल्स यहाँ आकर इस स्पेस के अंदर बैठ गए, यानी कि डिजोल्व हो गए। तो जो शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, इससे मैटर की इस करेक्टरिस्टिक का पता लगता है कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है, जिसको इंटर पार्टिकल स्पेस भी कहा जाता है। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ये पूछ लें कि ये जैसे चौक है, इसके ऊपर आप हथौड़ा मारो, हैमर करो इसको, तो ये टूट जाएगा। लेकिन अगर इसकी बजाय मेरे पास लोहे की स्टिक होती है, आयरन की, उसके ऊपर हैमर मारते तो नहीं टूटता। इससे मैटर की किस करेक्टरिस्टिक का पता लगता है? तो इससे हमें पता लगता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने हैं। चौक पे आपने हैमर किया, हथौड़ा मारा, तो क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और इसकी बजाय अगर आयरन रोड ले लें तो क्या होगा, ये ब्रेक नहीं होता है। अब पूछेगा क्वेश्चन में कि आप ये बताइए इससे किस बात का पता चला। तो इससे इस बात का पता चलता है कि आयरन रोड के अंदर जो आयरन के एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो जैसे ही हमने हैमर लगाया उसके ऊपर, तो क्या हुआ, वो आपस में ब्रेक नहीं हुए। चौक में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में कम फोर्स है, जैसे ही हमने हैमर किया तो क्या होगा, वो अलग अलग हो गए, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच के टूट गए और ये पार्ट्स में अलग अलग हो गया। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर जैसे ये पूछ लें भाई डिफ्यूज़न होना है, तो आप बताएं रेट ऑफ डिफ्यूज़न किस में ज़्यादा होगा। सपोज आपको तीन चीज़ दे दी, शुगर, वाटर, ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ लिख के और आपसे ये पूछे बताइए डिफ्यूज़न किस में ज़्यादा होगा। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उसमें आप स्टेट ऑफ मैटर को कंसिडर करें। शुगर बताइए कैसी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। वाटर रूम टेम्परेचर पे किस में है, लिक्विड में है। ऑक्सीजन किस स्टेट में है, गैस में है। अब ये आपका जाना पहचाना प्रश्न बन गया है। गैसेस में डिफ्यूज़न मैक्सिमम होता है, जल्दी भी होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होगा, सॉलिड में कम। तो ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, इसमें उससे कम, सॉलिड में सबसे कम। तो इस टाइप से आपसे करेक्टरिस्टिक्स में से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। वापस आते हैं अपने, हम डिफ्यूज़न की बात कर रहे हैं। तो डिफ्यूज़न क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है, जब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस में या लिक्विड्स में पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं, यानी कि मूवमेंट कर जाते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ चले जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। गैसेज में मैक्सिमम है, सॉलिड में क्या है, मिनिमम है। यहीं पर ये क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो तीन फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला है डेंसिटी। डेंसिटी को क्या पढ़ कर आए हम अब से पहले, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब ये है अगर किसी का मास ज़्यादा है तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये देखो ये तो इससे उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी से डिफ्यूज़न की अगर हम बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न पर क्या फ़र्क पड़ेगा डेंसिटी का, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ही कम होता है। तो आपको याद रखना है, डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, उसका कम होता है। एक एग्जांपल से तुरंत आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने पास ये वाटर दिया हुआ है एक वेसल में,
ये दूसरा वेसल है, इसमें भी वाटर दिया हुआ है। इतना आसान सा क्वेश्चन, आप तुरंत समझेंगे। ये है केस फर्स्ट, ये है केस सेकंड। तो पहले केस में हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंक की ड्रॉप डालते हैं, इंक डाल देते हैं, और दूसरे में क्या करेंगे, शहद डाल देते हैं, शहद की बूंद, हनी। बिल्कुल आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो, दोनों वाटर हैं वेसल में, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। एक बार तो आप क्या करें, एक ड्रॉप इंक डाल दें, और एक बार क्या करें, एक ड्रॉप हनी डाल दें। तो आप सोचिए किस में कौन सी चीज़ जल्दी फैलेगी वाटर में। आसान सी बात है, इंक है वो जल्दी फैल जाएगी, तुरंत फैलेगी, हनी कम फैलेगा। अब मास किसका ज़्यादा है, भारी कौन है, अंदाज़ा आप लगा सकते हो, क्योंकि ये सेमी सॉलिड टाइप चीज़ है, तो इसका मास ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा थी तो ये कम घुला, यानी कि इसमें डिफ्यूजन कम हुआ। इंक की डेंसिटी कम थी, ये हल्की थी, तो ये जल्दी घुल गई, यानी कि इसका डिफ्यूजन ज़्यादा हुआ। यही बात यहाँ पर बताई है कि अगर किसी की डेंसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका क्या होता है, कम होता है। आपको याद रखना है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है जैसे हनी की है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका कम है। अगर किसी की डेंसिटी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका ज़्यादा होता है। ये बात एक साइंटिस्ट ने बताई थी, और उसी बेस पर उसका एक लॉ है जिसको कहा जाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने ये लॉ दिया था, ये नियम बताया था, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और इसने क्या कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वेयर रूट ऑफ डेंसिटी, यानी कि उसका उल्टा है, डेंसिटी बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी। तो ग्राहम्स लॉ ने क्या बताया, ग्राहम ने क्या बताया, इसने बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर आपसे डिफाइन करवाए तो आप बताएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ डेंसिटी। मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वेयर रूट ऑफ डेंसिटी। ये है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिलहाल हमने तो यहाँ केवल इतनी बात करनी थी कि डेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तीसरा है प्रेशर। डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करने वाला नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो जब भी टेम्परेचर का जिक्र आए, आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है, आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। जब टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे गर्मी है, तो गर्मी में जब आप सोते हो बैठते हो तो आप फैल के सोएंगे, और बहुत ज़्यादा सर्दी हो और आपको ओढ़ने के लिए कुछ ना दिया जाए तो सोचो आप कैसे सोओगे, बिल्कुल सिकुड़ जाओगे। तो पहली बात तो ये है कि जब भी टेम्परेचर आप किस चीज़ का बड़ा होगे तो उससे वो फैल जाएगी, पहली बात। दूसरी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब आपको कहा जाए कि भाई बहुत गर्म रेत है, ग्राउंड है, उसके ऊपर से आपको चलना है, तो आप मस्ती से झूमते हुए नहीं चलेंगे, उसके ऊपर जल्दी से आप भागेंगे। तो दो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, टेम्परेचर से क्या होता है, कोई चीज़ फैलती है, एक्सपेंड होती है। दूसरा, उसके जो पार्टिकल की मूवमेंट है, जो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम करें गतिज ऊर्जा, वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे किसी भी मैटर का, तो उससे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट जल्दी होगी, वो जल्दी डिफ्यूज़ होंगे, यानी कि डिफ्यूज़न का रेट भी उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है, अब ये मैं लाइंस बना के नहीं लिख रहा हूँ, आप आसानी से इनको लिख सकते हो, समझना ज़रूरी है, लैंग्वेज डजंट मैटर। अगर आप ये बात समझ गए तो लैंग्वेज तो आप लिख ही सकते हैं,
हिंदी इंग्लिश जो भी है आसान सी भाषा में आप लाइन बना के इसकी लिख सकते हैं, और दूसरे भी स्टडी मटेरियल आप यूज़ करते होंगे उसको भी देख सकते हैं। तीसरा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर अगर किसी भी चीज़ का बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है एक कोई गैस है सपोज़, दूसरी गैस को आप उसके अंदर लेकर ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया, तो जैसे ही आप प्रेशर दबाव बढ़ाएंगे तो उनकी मजबूरी होगी कि उनको घुलना पड़ेगा, यानी कि इंटरमिक्सिंग उनकी होगी। तो इसमें भी आपको याद रखना है अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इससे भी क्या होता है, डिफ्यूज़न बढ़ जाता है। अब एक बिल्कुल हल्का सा टॉपिक है, यहीं पे उसको डिस्कस कर लेते हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। आसान सी बात है, हो सकता है पहले आई हो, नहीं आई हैं तो अब आ गई है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तीन स्केल टेम्परेचर के होते हैं जिनमें हम तापमान को टेम्परेचर को मापते हैं। एक है सेल्सियस स्केल, एक है फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट या फारेनहाइट भी बोल देते हैं कई बार, और एक है केल्विन स्केल, लॉर्ड केल्विन ने जो बताया था। तो इसमें अगर हम वाटर को कंसीडर करके चलें तो जैसे ये स्केल है, ये है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ अगर मैं मानता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं डिनोट करने की बात आएगी, तो फारेनहाइट को डिग्री फारेनहाइट में लिखेंगे या फारेनहाइट, और केल्विन को कभी भी डिग्री में नहीं लिखना है, आपको याद रखना है। केल्विन को डिनोट करोगे तो डिग्री में आपको उसको नहीं लिखना है। ये 0 डिग्री है, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या चीज़ है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और ये वाटर का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। इट मीन्स अगर इससे नीचे जाओगे तो आइस बन जाएगी, 0 पर मेल्ट होके क्या होगी, वो वाटर बनेगी। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये एक पैमाना सा हमने ले लिया। अगर फारेनहाइट पे हम इसी की बात करें तो ये 32 डिग्री फारेनहाइट ये इस 0 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये है, और 212 डिग्री फारेनहाइट ये इस बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है। अगर इस स्केल पे कंपेयर करें केल्विन पे, तो 273 केल्विन, यानी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट आया, 273 केल्विन के, और ये फिर कितना होगा, 373 केल्विन। अब यहाँ पर आपसे कन्वर्जेंस भी पूछ सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस को आप फारेनहाइट में बदलो या डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलो। तो बिल्कुल आसान सी बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो जितना भी आपको दे रखा है, यानी कि डिग्री सेल्सियस क्या होगा, जितना भी डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है उसमें आपने 273 जोड़ देना है, ऐड कर देना है। सपोज़ आपसे कहा गया कि आप 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो कितना आएगा, 273 केल्विन आएगा। ये देखो, ये दोनों बराबर हैं। अगर आपसे कह दे 3 डिग्री सेल्सियस है तो जितना भी ये पूछा जाए उसको 273 में ऐड कर दो, तो 273 + 3 तो 276 केल्विन आ गया। अब जो अपना रूम टेम्परेचर है, याद रखना है आपको रूम टेम्परेचर, इसका मतलब ये नहीं समझना कि जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, ये फिक्स है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसी को नॉर्मल टेम्परेचर भी कहा जाता है, इसी का तीसरा नाम स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी है, याद रखना। आपको कुछ भी कह दें इनमें से, प्रेशर 1 एटमोस्फियर होता है इकट्ठा, इनको NTP बोल देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है, 1 एटमोस्फियर प्रेशर। तो अगर आपसे ये पूछ रहे रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करवाए तो कैसे करोगे, 273 + 25 298 केल्विन,
केल्विन में रूम टेम्परेचर कितना है अपने पास, 298 केल्विन है। अब अगर फॉरन हीट और डिग्री सेल्सियस की पूछे तो आपको याद रखना है डिग्री फॉरन हाइट ये किसके बराबर होता है, 9/5 जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है वो यहाँ पे रखो प्लस 32, ये रिलेशन है इनका आपस में। तो ये टेम्परेचर के स्केल्स हैं मापने के लिए जो होते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है। तो ये तीन स्केल हैं सेल्सियस, फॉरनहीट और केल्विन स्केल टेम्परेचर के। अब जो मेन तीन स्टेट्स हमने मैटर की पढ़ी हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या ये एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे आइस सॉलिड है, गर्म करोगे वाटर बनता है, यानी कि आइस है आप इसको गर्म करें हीट करें तो क्या आ जाता है अपने पास, वाटर। वाटर को आप गर्म करें फिर से हीट करें क्या आ जाएंगे, वेपर्स। यानी कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये क्या है, गैस है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर आप इसको कूल करें वाटर को तो आइस आएगा, आप वेपर्स को कूल करते हैं तो क्या आएगा, वाटर। इट मीन्स ये जो स्टेट्स हैं मैटर की ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। तो कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है इनका इंटर, इंटर का मतलब होता है दो के बीच में और इंट्रा का मतलब होता है के अंदर, ये दो शब्द में साइंस में बार बार आते हैं आपको याद रखना है। इंटर का मतलब है जैसे ये है और ये है, इन दोनों को कंपेयर करें या इनके बीच में कोई चीज़ है, जैसे यहाँ कोई चीज़ है तो हम कहेंगे ये चीज़ इन दोनों के इंटर है, बीच में। एक वर्ड होता है इंट्रा, इंट्रा का मतलब अंदर, जैसे इसी के अंदर ये आ जाए कोई डॉट तो इसको इंट्रा कहेंगे, और ये क्या है, इंटर है। जैसे ये चौक है, ये अगर मेरे दोनों हाथों के बीच में आया तो ये क्या होगा, इंटर, और अगर ये एक है इसी के अंदर आ गया तो क्या होगा, इंट्रा। तो याद रखना आपको इनका शब्द, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये बात अब आपने मान ली है कि ये पॉसिबल है, एक स्टेट दूसरे में चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है, दो तरीके अपने पास हैं जिनसे आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हो। पहला है चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा है चेंज इन प्रेशर। इन दो चीज़ों से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं मैटर को। अब इससे आगे इनकी डिटेल में बात करेंगे।